अलाहाबाद हाईकोर्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरह से लगातार सुनवाई कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अन्वेषकों के मामले के, और उस पर आज भी सुनवाई हुई, और यूनियन ऑफ इंडिया ने जो आज के लिए टाइम मांगा था रिप्लाई देने के लिए, उस पर माननीय चीफ जस्टिस साहब ने और ऑनरेबल कंपेनियन जस्टिस ऑनरेबल जे मुनीर साहब ने उस पर डांट लगाते हुए कहा कि आप क्लियर नहीं पोजिशन ले रहे, आप क्लियर दीजिए, आप आंकड़े दीजिए कि केंद्र सरकार कितना बजट सर्व शिक्षा अभियान में उत्तर प्रदेश को देता है और उसमें से कितना 60% केंद्र सरकार देता है और 40% उत्तर प्रदेश सरकार को करना होता है। तो क्लियर उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप क्लियर नहीं दे पा रहे हैं तो हम सेक्रेटरी को बुलाएंगे, और सेक्रेटरी बताया तो उन्होंने कहा यूनियन ऑफ इंडिया के वकील सेक्रेटरी और स्टेट ने भी कहा कि उसमें क्लियर आंकड़े चाहिए, क्योंकि क्लियर आंकड़ों के आधार पर डिसाइड हो जाएगा क्यों नहीं 17,000 रुपये दिया जा रहा है, जबकि सिंगल बेंच आदेश कर चुकी है निवेशकों के लिए 2017 में आदेश कर चुकी है 17,000 रुपये मिलना चाहिए, और उसके बाद क्यों इतनी डिस्पेंडेंसी हो जा रही, क्यों उतना लटकाया जा रहा है, क्यों अनुदेशक आत्महत्या करने के लिए आर्थिक तंगी की वजह से मजबूर हो रहे हैं, क्यों उनके परिवार की बदहाली हो रही है, और इसीलिए फिर से जल्दी सुनवाई करते हैं। उन्होंने फिर टाइम मांगा, जो फिलैंड के वकील थे उन्होंने फिर टाइम मांगा, यूनियन ऑफ इंडिया ने टाइम मांगा कि हम उसमें क्लियर आंकड़े देंगे, और जिस पर कहा है उन्होंने कि 11:30 मंगलवार, जो कि 24 तारीख है, इसी 24 मई को, वो ज़्यादा टाइम मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा 24 मई को मंगलवार को 11:30 फिर इस मामले की सुनवाई हो और इस मामले का जल्दी से जल्दी डिस्पोजल हो, क्योंकि क्लियर आंकड़े चाहिए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम इधर से एक लाइन, दो लाइन, इधर से चार लाइन, इधर इधर से नहीं पढ़ेंगे, हमें क्लियर आंकड़े दीजिए कि ये बजट यूनियन ऑफ इंडिया ने दिया, ये बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट बनाया सर्व शिक्षा अभियान के लिए, जिसमें से क्या कमी रह गई जिसकी वजह से 17,000 नहीं मिल पाया, और इसकी बात से निश्चित तौर पर हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है जो लगातार सुनवाई आने वाले अलावा हाईकोर्ट कर रहे हैं, इस पर अनुदेशकों की समस्या को बहुत जल्दी समाधान होगा, बहुत जल्दी शीघ्र, क्योंकि जल्दी सुनवाई हो रही है। अब सैटरडे संडे को छोड़ के मंगलवार को फिर 11:30 24 तारीख को इसकी सुनवाई होगी, सभी लोग घर बनाए रहे।